ये मैनुअल मोड है पूरे मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक। ग्रीन कलर ऑन दिखाता है, रेड कलर ऑफ दिखाता है। अभी ये ऑन है, इसको मैंने ऑफ किया, राइट। दोबारा ऑन करता हूँ और इमरजेंसी पुश बटन को मैं रिलीज करता हूँ, मशीन स्टार्ट हो गया। ओके, इमरजेंसी को मैं पुश करता हूँ, मशीन बंद हो गया। ये मेनू सिर्फ ऑन ऑफ के लिए है। जैसे ही मैं लेबल राइट चालू करूँगा, यहाँ सेस करूँगा, लेबल रिलीज हो जाएगा। ये राइट वाला ही चलेगा सिर्फ, लेफ्ट वाला नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब लेफ्ट वाला चालू करिए, हाँ करो, टच करो, ओके। अब दोनों चलेंगे, ठीक है ना। अब राइट वाला बंद करिए, ओके, टच करो, बस बस। अब सिर्फ लेफ्ट चलेगा क्योंकि लेफ्ट वाला ही ऑन है, ठीक है ना। अब लेफ्ट वाला भी बंद करिए, ओके। अब कोई भी नहीं चलेगा, राइट, ओके। ये ऑन ऑफ का पेज खत्म हो गया। अब ये स्पीड सेटिंग है, जिसकी भी स्पीड चेंज करनी हो, जैसे ये राइट डिस्पेंसर की स्पीड है, अभी 660 है, मुझे करना है फोक्स 460, मैंने 460 डाल दिया, ओके। दोबारा 660 करना है, 660, ओके। ये पॉइंट में भी जाएगा, जैसे ये 31.5 है, मैंने उसको कर दिया 32.6, ये 32.6 आ गया। अब इसमें क्या है, राइट और लेफ्ट में ये मशीन बना, वो मशीन बना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। कभी कभी यूँ समझो कि ये बेरिंग में कोई एक बेरिंग में खराबी आ गई, तो इसका क्या बोलते हैं टॉर्क और उसका टॉर्क, उसमें डिफरेंस आ गया, तो कभी कभी क्या होगा, ये 650 पे कंप्लीट काम करेगा क्योंकि ये बढ़िया है इसका फिटिंग। उसका फिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, या तो कहीं कोई जगह टेंशन ज़्यादा है, तो शायद वो 665 के बजाय 668 पे भी चले सकता है, समझ गए ना। 5-10 डिजिट आगे पीछे हो सकती है, 5-10 डिजिट। इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है, लेकिन वो प्लस माइनस उतना तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर टॉर्क सेट नहीं हुआ सर्वो मोटर का, तो भी 5-10 मिनट आगे पीछे होगी, राइट, समझ गए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 460 है तो वहाँ भी 460 होना ही चाहिए, अपने को लेबल कंप्लीट लगना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब 460 का मतलब है कि इसमें भी 46 तो नियर बाय आप आ ही गए, 99% आप करेक्ट आ गए। अब 1-2% है वो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, 1-2%, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में जो सही दिखाएगा वो राइट स्पीड है, ओके। अभी मैं दोबारा उसको 31.5 कर देता हूँ, ये 31.5 हो गया, ठीक। टॉप कन्वेयर का स्पीड, बॉटम कन्वेयर का स्पीड एक सरीखा होना चाहिए, वरना बोतल टेढ़ी हो जाएगी बिल्कुल। जैसे अभी 31.5 है, इसको मैंने 30 कर दिया और बोतल को डाला, तो बोतल टेढ़ी हो जाएगी। करो चालू, हाँ इमरजेंसी, हाँ वहाँ भी बंद होगा, वहाँ भी बंद होगा, यहाँ भी बंद होगा, चालू। टेढ़ी हो गई, राइट। अब इसकी स्पीड वापस सेट कर रहे हैं 31.5। मोटर स्टेट निकला, ओके, राइट। अब दो मोटर के बीच गैप ज्यादा करना है, कम करना है, तो फीडर को यूज करो, कितनी है 20 है ना, स्क्वेयर्स करता हूँ, देख लो, राइट। 20 नहीं, इसको करते हैं सीधा 16, ओके। करता हूँ चालू,
ये गैप ज़्यादा है। ओके अब इसको करता हूँ मैं 30 राइट। गैप कम हो गया राइट। अब इसको मैं करता हूँ 35। बिल्कुल कम हो गया राइट। सेटिंग है, इसको कभी चेंज नहीं करना राइट। ये मेंटेनेंस के लिए है, इन फ्यूचर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस आया तो उनके लिए है, कस्टमर के लिए नहीं है ठीक है ना। कस्टमर के लिए सिर्फ मैनुअल मोड और स्पीड सेटिंग राइट। अब प्रोडक्ट काउंटर को ज़ीरो करना है तो उसको टच करके रखो, ये हो गया ज़ीरो। ओके ये बॉटल पर मिनट दिखाएगा